नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गति न्यूज। आइए खबरों का जायजा लेते हैं विस्तार के साथ। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना श्योपुर ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना के कार्यों की सराहना करते हुए चंबल कमिश्नर श्रीमती रेणु तिवारी, मुरैना कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास और श्योपुर कलेक्टर सुश्री प्रतिभा पाल की प्रशंसा की है। उन्होंने तीनों महिला अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि चंबल जैसे जटिल एवं बीहड़ भरे क्षेत्रों में महिला अधिकारियों ने रेल परियोजना का कार्य करके अपनी कुशल कार्यशैली की प्रतिभा को उजागर किया है। केंद्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल एवं पंचायत और ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गुरुवार को दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्योपुर ब्रॉडगेज रेल परियोजना की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा के दौरान चंबल संभाग की कमिश्नर श्रीमती रेणु तिवारी ने कहा कि श्योपुर ब्रॉडगेज रेल अधिकारियों के साथ 4 बार बैठकें कर चुकी हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक मुरैना जिले में 326.04 हेक्टेयर भूमि के विरुद्ध 159 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। इसी प्रकार श्योपुर जिले में शासकीय जमीन का अधिग्रहण कर लिया है। प्राइवेट भूमि के अधिग्रहण करने का कार्य प्रचलन में है। इस पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने चंबल कमिश्नर की प्रशंसा की और कहा कि राजस्व और रेल के अधिकारी इस तरह से श्योपुर रेल परियोजना के कार्य को गति दे ताकि निर्धारित समय अवधि में इस परियोजना को पूरा किया जा सके। मौके पर चंबल कमिश्नर श्रीमती रेणु तिवारी ने रेल मंत्री से अनुरोध किया कि भू अर्जन विवरण की राशि अलग अलग टुकड़ों में दी जा रही है, इससे सभी प्रभावितों को राशि का वितरण नहीं हो पा रहा है। इस पर रेल मंत्री श्री गोयल ने भू अर्जन कार्य के लिए 53 करोड़ रुपए देने का आश्वासन दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर मुरैना श्रीमती प्रियंका दास, श्योपुर कलेक्टर सुश्री प्रतिभा पाल ने श्योपुर रेल परियोजना के गति कार्यों से अवगत कराया। खबरों में फिलहाल इतना ही, आप जुड़े रहिए खबर गति न्यूज के साथ।